जो जल जीवन मिशन के लिए आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, प्रत्येक ट्रेनीज को सीरीज टेस्ट लैंप बनाना आना चाहिए और वो आज के इस प्रैक्टिकल में सीख कर जाना है। ठीक, अब जितने भी आप ट्रेनीज बैठे हैं यहाँ, आप सभी अपना अपना एक एक वायरिंग बोर्ड लेना है, उसमें एक स्विच एक सॉकेट को फिट करना है, एक लैंप लेना है, एक लैंप होल्डर लेना है, पीवीसी वायर से उसके कनेक्शन डायग्राम के अनुसार आपको करना है। और आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, उस मोटरों की कंटिन्यूटी टेस्ट करके आपको देखना है कि ये मोटर की वाइंडिंग सही है या जली हुई है या शॉर्ट। ठीक, ये क्या है स्विच, स्विच को कुंजी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन खटका नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? खटका नहीं बोलना आप। ये स्विच है, ये सॉकेट है। इस सॉकेट में क्या लगाया जाता है? प्लग लगाया जाता है। एक प्लग है उधर। इस सॉकेट के अंदर 5 पिन है, तो किस प्रकार का सॉकेट है? 5 पिन सॉकेट। कोई सॉकेट 2 पिन का आता है, उसको 2 पिन सॉकेट बोलते हैं। कोई प्लग या प्लग टॉप 3 पिन का भी आता है और 5 पिन का भी। तो ये सॉकेट 5 पिन का है, 3 पिन का भी होता है और 2 पिन का भी होता है। तो आपको सीरीज बोर्ड बनाने से पहले आपके पास आवश्यक औजार और आवश्यक सामग्री होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास सामान औजार है तो आसानी से आप सीरीज टेस्ट लैंप बना सकते हैं। लैंप होल्डर और लैंप के अलावा आपके पास पीवीसी कॉपर वायर होना चाहिए। पीवीसी कॉपर वायर आपके पास अपने इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, कलर कोड के अनुसार होने चाहिए। कलर कोड क्या होता है? फेज का RYB, रेड येलो और ब्लू, और न्यूट्रल का ब्लैक। तो फेज के लिए अपन ले रहे हैं लाल कलर का तार और न्यूट्रल के लिए ब्लैक काला कलर का तार। ठीक, आपको दो तार के टुकड़े लेने। ठीक, और कलर कोड क्या होना चाहिए? फेज का कलर कोड होना चाहिए, रेड हो येलो या ब्लू। ठीक, उसके बाद में आपको इस बोर्ड के अंदर एक स्विच और एक सॉकेट को फिट करना है, स्क्रू की सहायता से आपको फिट करना है। एक फिटेड है ये मेरे को। ये बोर्ड अपना तैयार है, इसमें स्विच भी लगा हुआ है और सॉकेट भी लगा हुआ है। स्विच के अंदर 2 टर्मिनल निकले हुए हैं और सॉकेट के अंदर 3। ऊपर वाला टर्मिनल अर्थ टर्मिनल है, इसमें राइट साइड का टर्मिनल फेज का है और लेफ्ट साइड का टर्मिनल न्यूट्रल का है। आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है फेज का, और स्विच के निचले वाले टर्मिनल में लगाना। नीचे जो टर्मिनल है उसमें आपको एक वायर का टुकड़ा कस देना है। ये टेस्ट इसको छोड़ दो। उसके बाद में आपको एक वायर और लेना है और उसको आपको 5 पिन सॉकेट में जोड़ देना। नीचे वाले टर्मिनल में अब दूसरा तार का एक छोटा टुकड़ा लेना है आपको और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाना है। ऊपर वाले टर्मिनल से इस वायर को 5 पिन सॉकेट में देना है। ये जो छोटा वाला टुकड़ा है इसको कहाँ देना है? 5 पिन सॉकेट में। 5 पिन सॉकेट में भी 2 टर्मिनल हैं, फेज और न्यूट्रल के। एक होता है अर्थ का, उसमें अर्थ वायर ही कनेक्ट करना आपको।
इतना कनेक्शन हो गया। अब आपको फेज वायर का दूसरा टुकड़ा लेना एक, और इसको इस 5-पिन सॉकेट के 2 नंबर टर्मिनल में जोड़ देना है। अब ये फेज का इनपुट साइड हो गया और ये फेज का आउटपुट साइड हो गया। अब लेना आपको एक न्यूट्रल का वायर, ठीक, ये फेज का हो गया और ये न्यूट्रल का, ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड, दो वायर आ गए अपने पास। अब इन दो वायर में आपको लगाना है लैंप होल्डर। यह लैंप होल्डर, लैंप होल्डर में भी 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, इसमें एक फेज लगाना है, दूसरा न्यूट्रल लगाना है, और लैंप होल्डर में आपको लगा देना है फिर एक लैंप, ठीक। ये अपना लैंप लग चुका है। अब ये जो इनपुट साइड है इसमें आपको सप्लाई देनी, 230-240 वोल्ट एसी सप्लाई देनी, ठीक। अब इसमें सप्लाई देंगे और जो 5-पिन सॉकेट है इससे अपन 2 वायर बाहर निकालते हैं और दोनों वायरों को आपस में टच करेंगे तो लैंप जलना चाहिए। अगर लैंप जलता है तो आपका सीरीज टेस्ट लैंप तैयार। ये 2 तार के टुकड़े और लेने हैं आपको, और कहां लगाने हैं, 5-पिन सॉकेट। अब इन 2 तारों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो लैंप जलना चाहिए। ये कनेक्शन सीरीज श्रेणी क्रम में हुआ है इसलिए इसको अपन सीरीज टेस्ट लैंप के नाम से जानते हैं, ठीक। टच करेंगे लैंप जलेगा। अब कंटिन्यूटी कैसे आपको टेस्ट करनी है वो आपको एक मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करके बताएंगे कि इस मोटर की वाइंडिंग सही है या जली हुई है, कहां से टूटी हुई है, जो भी है, अर्थिंग ग्राउंडिंग टेस्ट वगैरह जो भी, वो आपको करके दिखाएंगे।